राजू मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से बात कर लो एक बार, वो भी तुम्हें देख ले और एक्सेप्ट कर ले तो अच्छा रहेगा हमारे रिलेशन के लिए। बात तो तुम्हारी ठीक है, उससे भी परमिशन लेना जरूरी है ताकि उसे कोई एतराज ना हो। कब तक आएगी वो? बस अभी आती ही होगी डांस क्लास से। हाय मॉम। हाय बेटा। इनसे मिलो, ये राजू अंकल। हाय। ये मेरे कलीग है, हम तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते आज। हाँ अंकल बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं आप? हाँ हाँ अंकल बोलिए ना। वो तुम्हारी मम्मी और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। वो चाहते हैं, हम चाहते क्या है मींस मतलब। हाँ हाँ अंकल बोलिए ना। इसमें शादी करना अभी? हाँ मॉम। हाँ मॉम, मुझे कोई एतराज नहीं है। वैसे भी आप जानती हो ना, मैं मॉडर्न जमाने की लड़की हूँ। आप लोग कर सकते हो शादी मॉम। वाओ, मैंने सोचा ही नहीं था तुम इतने जल्दी मान जाओगी। मॉम मगर मेरी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? मॉम इन्हें हमारे साथ घर में रहना होगा, वो भी एक महीने के लिए, ताकि मैं जान सकूं ये मेरे पापा बनने लायक है कि नहीं। बताओ मंजूर है? राजीव तुम क्या कहते हो? ज्योति ठीक ही कह रही है। ठीक है बेटा, हमें मंजूर है। तो अंकल आज ही शाम ना आप अपना सारा सामान लेकर यहाँ आ जाइए, ठीक है? मॉम मैं चलती हूँ, बहुत गर्मी लग रही है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है तुम जाओ, हमारी बच्ची कितनी समझदार है। काफी समझदार है, और आजकल के बच्चे सभी समझदार है, उन्हें सब पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। अच्छा तुम आ रहे हो ना शाम को सामान लेके? हाँ मैं शाम को सामान लेकर आ जाता हूँ। ठीक है ठीक है, चलो बाय। आज ऑफिस के लिए बहुत देर हो गई। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा सुनो, फ्रिज में खाना रखा है, जब भूख लगे तब खा लेना, और कोचिंग के लिए जाना मत भूलना। हाँ ठीक है। और टाइम पर चले जाना। बाय बाय मॉम। ये मेरे पापा बनना चाहते हैं, ऐसा तो होने नहीं दूंगी। अरे अंकल आप इतनी जल्दी आ गए आज, मॉम कहाँ हैं? मॉम ऑफिस में है, मेरा थोड़ा सर दर्द कर रहा था मैं आ गया। अच्छा अंकल आप कमरे में चलिए, मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। ठीक। मेडिसिन क्या हुआ अंकल? मेरे सर का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप लेट जाइए, मैं दबा देती हूँ।
पता था जाने मन तुम जरूर आओगे मेरे पास। क्या करूं मेरी जान, तुम्हारी चाहत ही खींच लाई। अच्छा क्यों, मम्मा प्यार नहीं करती आपको? मम्मा प्यार तो करती है, लेकिन जो प्यार करने का मौसा तुम्हारे साथ है ना, वो मम्मा के साथ कहाँ। अच्छा राजू, शायद बाथरूम गया होगा, पानी भी नहीं रखा, गला सूख रहा, पानी भी कराती हूँ। तो चलो ना, मम्मा से बोल देती हूँ कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। कुछ अलग तरह से रोमांस करते हैं ना। अलग तरीके से रोमांस? बुद्धू, इतना भी नहीं समझते हो, इतने बड़े हो गए हो मगर कुछ पता नहीं है। ये तो ज्योति की आवाज है और राजू की। इस वक्त राजू ज्योति के कमरे में। तुम जमीन के इतनी ऊपर हो ना, उतनी नीचे भी हो। छोड़ो ना राजू। मम्मी 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 मम्मी, ये मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिए थे मम्मी। शोभा, ये झूठ बोल रही है। शोभा चुप, मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोल सकती। मैंने तुम पे कितना विश्वास किया और कितना प्यार किया, मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने की सोची और तुमने मेरी बेटी पे गंदी नजर डाली। छी मम्मी, मम्मी मैंने आपसे कहा था ना मम्मी, इस इंसान पे भरोसा मत करना। देख लिया ना, इन्होंने एक महीने पहले ही अपनी औकात दिखा दिया। राजू तुम चले जाओ, मैं तुम्हें एक मिनट भी अपनी नजर के सामने नहीं देख सकती। शोभा, मेरी बात तो सुनो। शोभा सुनो तो मेरी बात। मम्मी